मनुष्य के संकल्प की शक्ति के बारे में सद्गुरु ओशो कुछ इस तरह बताते हैं। मनुष्य के संकल्प की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन हमें कुछ ख्याल में नहीं। ये जो मृत्यु का स्वेच्छा से प्रयोग है, ये संकल्प का गहरा से गहरा प्रयोग है, क्योंकि साधारणता जीवन के पक्ष में संकल्प करना कठिन नहीं। हम जीना ही चाहते हैं। मृत्यु के पक्ष में संकल्प करना बहुत कठिन बात है, लेकिन जिन्हें भी सच में ही जीने का पूरा अर्थ जानना हो, उन्हें एक बार मर के जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बिना मर के देखे वो कभी ना जान सकेंगे उनके पास कैसा जीवन है जो नहीं मर सकता। उनके पास कुछ जीवन है जो अमृत की धारा है। इसे जानने के लिए उन्हें मृत्यु के अनुभव से गुजरना जरूरी है, क्योंकि एक बार वे स्वेच्छा से मर के देख लें, फिर दोबारा उन्हें मरने का भय न रह जाए, फिर मृत्यु है ही नहीं। तो सिर्फ पूर्ण संकल्प से कि मेरी चेतना सुकुड़ रही है, मैं अपने को चारों तरफ से सिकोड़ लेता हूं, आंख बंद करके मैं अपने को सिकोड़ता हूं कि मेरी चेतना सिकुड़ रही है। उसने पैरों से यात्रा भीतर की तरफ शुरू कर दी, हाथों से भीतर की तरफ शुरू कर दी, मस्तिष्क से भीतर की तरफ शुरू कर दी। उस केंद्र पर ऊर्जा इकट्ठी होने लगी जहां से फैली थी, वापस सब किरणें लौटने लगी। इसका सघन मन से किया गया प्रयोग एक क्षण में अचानक सारे शरीर को मृत कर देता और एक बिंदु कोई भीतर जीवित बिंदु रह जाता। सारा शरीर अलग मुर्दे की तरह पड़ा रह जाता है, सिर्फ शरीर के भीतर एक बिंदु जीवित हो जाता है। यह जीवित बिंदु अब बहुत भली भांति देखा जा सकता है कि शरीर से भिन्न है। ऐसे ही जैसे बहुत अंधेरे में बहुत सी किरणें फैली हों और पता ना चलता हो कि क्या किरण है और क्या अंधेरा है, लेकिन सारी किरणें सिकुड़ के एक जगह आ जाएं तो अंधेरा और किरणों का कंट्रास्ट साफ हो जाए कि अलग हो गया। जब हमारे भीतर प्राण की ऊर्जा इकट्ठी एक बिंदु पर आकर घनीभूत हो जाती, कंडेंस्ड इकट्ठी हो जाती है, तो सारा शरीर अलग और वो बिंदु अलग मालूम होने लगता है। अब जरा से संकल्प की जरूरत है कि आप शरीर के बाहर हो सकते हैं। सिर्फ सोचें कि मैं बाहर और आप बाहर, और अब बाहर से खड़े होकर इस शरीर को पड़ा हुआ देख सकते हैं कि मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। छोटा सा एक धागे की तरह कोई चीज इस शरीर से अब भी जोड़े रहेगी, वही द्वार है आने जाने का। एक सिल्वर कार्ड, एक स्वर्ण धागा इस शरीर की नाभि से और आपके जोड़ा रहेगा। जैसे ही ये बिंदु बाहर आएगा, वैसे ही एक और नया हैरानी का अनुभव होगा कि इस बिंदु ने फिर नए शरीर का रुख ले लिया, ये फिर फैल के एक नया शरीर बन गया। ये शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर बिल्कुल इसकी ही प्रतिलिपि है जैसा ये शरीर है, लेकिन बहुत जिसको कहें धूमिल, फिल्मी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अगर हाथ को हिलाएं तो उसके आर पार निकल जाएगा, लेकिन उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। पहला तत्व है इस संकल्प की साधना का कि सारे प्राणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेना, और जब एक बिंदु पर वे इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे छलांग लगा के बाहर निकल जाता, सिर्फ इच्छा की बाहर यानी बाहर, और सिर्फ इच्छा की वापस भीतर तो यानी भीतर। इसमें कुछ करने का नहीं है, बस करने का प्रयोग तो सिर्फ ऊर्जा को इकट्ठा करना है। एक दफा इकट्ठी ऊर्जा है तो आप बाहर भीतर हो सकते, उसमें कोई कठिनाई नहीं। और ये अनुभव एक बार साधक को हो जाए तो उसकी जीवन यात्रा तत्काल ही बदल जाती, रूपांतरित हो जाती। कल तक फिर जिसे वो जीवन कहता था अब जीवन ना कह सकेगा, और कल तक जिसे मृत्यु कहता था उसे मृत्यु भी ना कह सकेगा, और कल तक जिन चीजों के लिए दौड़ रहा था अब दौड़ जरा मुश्किल हो जाएगी,
और कल तक जिन चीजों के लिए लड़ रहा था अब लड़ना मुश्किल हो जाएगा, और कल तक जिन चीजों की उपेक्षा की थी अब उपेक्षा ना कर सकेगा, जिंदगी बदलेगी। क्योंकि एक ऐसा अनुभव जिंदगी में आया कि इसके बाद जिंदगी वही नहीं हो सकती जो इसके पहले थी। इसलिए प्रत्येक ध्यान के साधक को एक ना एक दिन आउट बॉडी एक्सपीरियंस, ये शरीर के बाहर जाने का अनुभव अनिवार्य चरण है जो उसके भविष्य के लिए बड़े अद्भुत परिणाम ले आने लगता है। कठिन नहीं है, संकल्प भर चाहिए, संकल्प कठिन है, ये प्रयोग कठिन नहीं है, संकल्प कठिन है। और इसलिए कोई सीधा चाहे कि इस प्रयोग को कर ले तो जरा मुश्किल पड़ेगी, उसे छोटे छोटे संकल्प के प्रयोग करने चाहिए, उसे छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। जब वो छोटे छोटे प्रयोगों में सफल होता जाता है तो उसकी संकल्प की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। बहुत छोटे से निर्णय करें और उनको जीने की कोशिश करें, और उस जीने की कोशिश से धीरे धीरे जब आपको ऐसा भरोसा आने लगे कि अब मैं कोई बड़े संकल्प कर सकता हूं तो थोड़े बड़े संकल्प करें। और अंतिम संकल्प साधक को करने जैसा है स्वेच्छा से मरने का। किसी दिन जब आपको लगे कि अब ये मैं कर सकता हूं करें, जिस दिन आप उस संकल्प को करके शरीर को मुर्दे की तरह देख लेंगे उस दिन से दुनिया का कोई धर्मशास्त्र आपके लिए कोई नई बात कहने वाला नहीं रह जाए, उस दिन से दुनिया का कोई गुरु आपको कोई नई बात न बता सकेगा।